हर एक युग की अपनी एक कहानी होती है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। मैंने बचपन में ही तुम्हारा नाम अपने दिल पे लिख दिया था। मुझे दरगाह की रानी नहीं बल्कि तुम इस गांव का बेटा बनकर रहने का वचन दो। ये अड़चन वो अपने नाम के साथ ही लेकर आया है। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू नमस्कार। नेपाली सिने जगतमा सर्वप्रथम एउटा ऐतिहासिक सफलता दिलाउन सफल भएको छ प्रेम गीत तिनले। हजुर, अब प्रेम गीत तिन हिन्दी भाषामा पनि रिलिज हुने तर्ख लगभग पक्का भइसकेको छ। भारतको चर्चित डबिङ स्टुडियो रियल टच स्टुडियोमा डबिङ गरिएको प्रेम गीत तिनमा भारतका दिग्गज डबिङ आर्टिस्टहरूले आफ्ना दमदार आवाजहरू दिएका छन्। हामीले सधैँ हेर्ने साउथ इन्डियन फिल्महरूमा र इङ्ग्लिस हिन्दी डब भर्जनमा सुनिरहेको दमदार आवाजहरू नै प्रेम गीत तिनमा पनि हिन्दी भर्जनमा सुन्न पाउनेछौँ। सङ्केत मात्रै, पूजा पन्जाबी, मनोज पाण्डे, आयुषी, सबिना मल्लिक मौसम, अजय यादव, मनिष भवन, शक्ति सिंह, सचिन गोले, समय जस्ता दिग्गज डबिङ आर्टिस्टहरूको आवाजले भरिपूर्ण भएको छ प्रेम गीत तिन। मेरा सपना सिर्फ गीत थी, सिर्फ गीत। तुम्हारे साथ आंखें मूंद कर बिताए हुए वो पल मेरे जीवन के सबसे सुंदर पल थे। प्रेम तो मेरा छोटा भाई है, बच्चा है वो अभी। राजनीति सीखने में उसे अभी बहुत वक्त लगेगा। यदि उसका आने वाला वंश बिना किसी अड़चन के इस धरती पर कदम रखता है। हाँ, प्रेम की माँ के गर्भ से ही राजा। इसके बाद एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छी की है। डायरेक्शनल लेवल से भी बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत पसंद आई ये मूवी और डब करने के बाद बहुत मजा आया। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद गांव वालों को और बाकी लोगों को खतरा होगा। तुम्हें अपने आप को संभालना है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्रेम की सभी बातों को दरगाह स्वीकार करेगा। दरगाह में सभी को खबर कर दो। आमन सरकार के खजाक के इतिहास में पहली बार सभी अचंभे में हैं। आ गया वो, आ गया। प्रेम गीत तीन का नायक प्रदीप खड्का यानी प्रेम को आवाज में आफ्नो दमदार आवाज भरेका छन् संकेत महात्रेले। संकेत महात्रे तिनै डबिङ आर्टिस्ट हुन् जसले साउथ इन्डियन फिल्मका धनुष, अल्लु अर्जुन, महेश बाबु जस्ता थुप्रै नायकहरूमा आफ्नो दमदार आवाज दिएका थिए। मेरा सपना सिर्फ गीत थी, सिर्फ गीत। रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड बजाने वाला डीजे हूं। लेकिन अगर आप पेट्रोल डालकर किसी बेगुनाह को जलाएंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। अमूल बेबी मेरी एक अपनी अलग पहचान है। VIP। त्यस्तै अङ्ग्रेजी फिल्म डेडपुल, ब्रैड पिट लगायत विभिन्न एनिमेटेड कार्टुन क्यारेक्टर्सहरूमा पनि संकेत महात्रेले आफ्नो आवाज दिएका थिए। और देखा जाए तो ये एक मर्डर है, पर कुछ बेहतरीन प्रेम कहानियां मर्डर से शुरू होती है और ये भी बिल्कुल वैसा ही है, एक लव स्टोरी। दीवाना नहीं हूँ, बस उनकी इज्जत करता हूँ। पता है जूली, वो बेस्ट से भी बेस्ट से भी बेस्ट है। जब मेरे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया और मेरी याददाश्त चली गई, सिर्फ एक सुराग था। त्यसै गरी प्रेम गीत तीन की नायिका क्रिस्टिना गुरुङ गीतको आवाजमा हिन्दी डब आर्टिस्ट पूजा पन्जाबीले आफ्नो आवाज दिएकी छिन्। पूजा पन्जाबीले एभेन्जर्स सिरिजको वान्डाको क्यारेक्टर्समा आफ्नो आवाज दिएकी थिइन्। तुम्हारे साथ आंखें मूंद कर बिताए हुए वो पल मेरे जीवन के सबसे सुंदर पल थे। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता ना है। त्यस्तै मनोज पाण्डे जसले ब्लकबस्टर फिल्म बाहुबलीमा भल्लाल देवको क्यारेक्टरलाई आफ्नो दमदार आवाज दिएको थियो। इस दरगाह की रक्षा करने वाला सिर्फ मैं हूं। और मेरे हाथों से तुम्हारी छाती चीरने का मौका दिया तुमने, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं।
त्यसै गरी शक्ति सिंह जसले विभिन्न इङ्ग्लिस तथा साउथ इन्डियन फिल्महरूमा आफ्ना आवाज भरेका थिए। प्रेम की सभी बातों को दरगाह स्वीकार करेगा। तुम कप्तान तो हो लेकिन एकदम नालायक कप्तान। कहीं से भी ढूंढ के लाओ उस स्पाइडरमैन को, उससे कहो कि मुझे तुमसे वेबसाइट में 3 बजे मिलना है। हम एक साथ क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या तबाह कर सकते हैं। त्यस्तै अर्को डबिङ आर्टिस्ट सचिन गोले जसले केजिएफमा यसलाई आफ्नो आवाज दिएका थिए। और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए कि खजाक के इतिहास में पहली बार सभी अचंभे में हैं। करेक्ट बोला रे, डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए। त्यसै गरी सबिना मल्लिक मौसम जसले बाहुबलीमा शिवगामी देवीको क्यारेक्टरमा आवाज दिएकी थिइन्। हाँ, प्रेम की माँ के गर्भ से ही राजा। शिवगामी से ऊंचे स्वर में बात करने का साहस कैसे किया? दंडनायक, इस अहंकारी को बंदी बनाकर घुटनों पर झुका दो। यसै क्रममा अन्य सम्पूर्ण जति पनि प्रेम गीत 3 मा आफ्नो हिन्दी आवाज दिएका छन्। सबै 101 भोइस आर्टिस्टहरू रहेका छन् र प्रेम गीत 3 लाई निकै मन पनि पराएका छन्। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नेपाली सिनेमा को एक नया स्तर ही दिया है। अब तक मैंने इतनी बेहतरीन मूवी शूट वाइज लोकेशन वाइज नहीं देखी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली नेपाली सिनेमा के बारे में इतनी जानकारी हमें नहीं है, बट आई एम ग्लैड टू नो कि दिस इज एट पार विद इंटरनेशनल सिनेमा। बहुत बढ़िया सिनेमाटोग्राफी थी और दिस हैज बीन माय बेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेल मेड फिल्म, वेरी वेल परफॉर्म्ड। सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इट्स बीन वेल शॉट, वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल एक्टेड। मुझे नहीं पता था कि नेपाल में भी इतने अच्छे अच्छे कलाकार लोग हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। देन इट इज अमेजिंग, फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सम नेपाली मूवी इन सच अ ग्रैंड, इन सच अ बिग ग्रैंड। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप एक बार ये मूवी देखने के लिए जरूर जाइएगा जब ये थिएटर में रिलीज होगी, क्योंकि काफी अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। अब हामीले हेर्न बाँकी छ प्रेम गीत 3 ले नेपाल लगायत भारत र अन्य देशहरूमा पनि कत्तिको धमाका मचाउन सफल होला त। प्रेम गीत 3 लगायत सम्पूर्ण निर्माण पक्षलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।